ಶಂಕರೌ ವಂದೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾಸರೂಪಿಣೌ ಯಾಭ್ಯಾಂ ವಿನಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧಾ ಸ್ವಂತಸ್ಥವೀಶ್ವರಂ. छोटे ठाकुर रोज सुबह आकर हमसे पहले काम शुरू कर देते हैं. बड़ा प्यार है उन्हें इस धरती से. राम 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 राम, 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 राम. अच्छा हुआ मंगलू तुम लोग आ गए. देखो आज सारे खेत की नहराई हो जानी चाहिए. बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूं. ठीक है. वो मैं कुछ नहीं जानती. ये लो कागज और करो दस्तखत. नहीं तुम लोग समझते हो मैं मर रहा हूँ. तो तुम क्या अपने आप को जिंदा समझ रहे हो? कई महीने हुए चारपाई पर लेटे हुए. जिंदगी में जो कुछ किया सो किया. दो सांस रह गए हैं, एक तो अच्छा काम करते जाओ. काम तो मैंने सब अच्छे ही किए हैं कोकू की माँ, सिर्फ एक भूल हुई है मुझसे. मुझसे शादी ना? मैं न्योता देने नहीं आई थी तुम्हें. जिस दिन शंकर की माँ मरी थी तुम ही रोते गिड़गिड़ाते हुए आए थे मेरे पास. मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा. मैंने ही झक मारी तो तुम्हारी बातों में आ गई. अगर ये शादी भूल थी तो ये झोर क्यों पैदा किया तुमने? अब इनके लिए तुम्हें जमीन बेचना ही पड़ेगी. मैं जमीन नहीं बेचूंगा. हमने इसे बेचने का फैसला कर लिया बापू. हमने तो ग्राहक भी छोड़ लिया. साइन कीजिए. नहीं नहीं, ये जमीन शंकर को चाहिए. वो इस पे जान देता है. और जो जान हमने दी उस पे पाल पोस कर बड़ा किया, अब जमीन पे उसका कोई हक नहीं. मगर तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हवेली है, जेवर है. हाय हाय, अब जेवरों पर भी नजर है. स्त्री धन कोई चीज ही नहीं. तुम्हारा तो एक तरफ, इन पिल्लों का भी कोई हक नहीं. बिकेगी तो जमीन.
जमीन बिक गई तो ये क्या करेंगे? हम लोग शहर चले जाएंगे, वहाँ कोई बड़ा कारोबार करेंगे। शहर को तुम क्या जानो बच्चू, वहाँ पे एक से एक पड़ा है, ये जूता टोपी भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं शंकर के साथ? खबरदार जो शंकर भयंकर का नाम लिया तो, इतने बड़े जिम्मेदार का बेटा कैसी कमीनों की तरह खेती में काम करता है, बाप का नाम बदनाम कर रहा है। खेती को तुम मत भी बार। हम मत करें या निखर, जमीन बिके ही बिके। जमीन नहीं बिकेगी। मैं आपसे विनती करता हूँ माँ, वो माँ तो छिन गई, अब इस माँ को तुम मत छीनो। अरे जा रहे, जानती हूँ उस माँ ने क्या दे दिया तुम्हें और ये क्या दे रही है। वो कुलक्षणी तो मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिए। एक बार नहीं हजार बार कहूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। चलो रे। चलो बेटा। मैं देख रहा हूं बचपन से जो तुम पे बीत रही है, मैं समझा था कि मुझे पत्नी मिल जाएगी और तुम्हें मां, मगर अफसोस ना तो वो पत्नी बन पाई ना मां। बेटे मेरी गलतियों पे पर्दा डालना, अपनी उस देवी मां की तरह रहना, लेकिन एक बात ना भूलना, ये टूटे हुए बाजू ही सही लेकिन ये तेरे भाई हैं, इनको हमेशा अपने गले से लगा के रखना। वादा करो, वादा करो शंकर। ठीक है बाबू। जिम्मेदार साहब कर दीजिए, आखिर इन्हीं का तो सब कुछ है। ये लीजिए कर लो, कर दीजिए। मेरा हाथ सुन हो रहा है। शरीर तो अच्छा भला है, हाथी को लकवा मार गया। जल्दी से दस्तखत करवा लो, ये तो जा रहे हैं। बाबू कर दीजिए दस्तखत। शंकर तुम यही तो खत्म हो गई। हाय राम, ये तो मर गए। ने जब तेरी माँ इस्तीफा दे गई तो ये मैं ही थी जिसने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, इसका कोई मोल नहीं। हवेली हमारी और जमीन तुम्हारी। सिर्फ नाम ही तो है माँ जी, इससे जो मिलेगा मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा। मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, शहर मत जाइए। अरे क्यों ना जाए, हमें किसी की दया धर्म नहीं चाहिए, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। अगर आप सब चले गए तो बापू की आत्मा बहुत दुखी होगी। मैं तो कहती हूँ और दुखी हो माँ जी। अरे उसी ने तो कांटे बोए हैं हमारे रास्ते में, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते। तो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। अरे देखा, एक तरह की बद्दुआएं दे रहा है, समझता है हम लौट आएंगे, इसकी शरण पाएंगे। शंकर हम लोग उनमें से नहीं जो थूक कर चाटते हैं। हम गए सो गए। अच्छा मैं चलता हूँ। और सुनो, हमारा तुम्हारे साथ और तुम्हारे इस हवेली के साथ आज से कोई रिश्ता नहीं।
अच्छा देखो ये दूसरी जगह है जहां मैं कुआं खुदवाना चाहता हूं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। शंकर भैया मैं आपके लिए लस्सी लेके आता हूं। यूं क्यों नहीं कहता कि खुद लस्सी पी के आता हूं? बस यूं ही समझ लीजिए, पर आपके लिए लेके आऊंगा। अच्छा जल्दी जाओ और जल्दी आ, काम बहुत है। अब भी गया और अब भी आया। अरे अब तो मंगलू लस्सी लेने चला गया है, पत्थर मारने की क्या जरूरत थी? जिसके अकल पे पत्थर पड़े हो उसे पत्थर ही मारना चाहिए। मेरी अकल में पत्थर है? और नहीं तो क्या, दिन रात खेतों में काम करता रहता, शादी वादी की कोई फिक्र नहीं। कोई मिलेगी तो कर लूंगा। अरे जा जा, मेरे से अच्छी लड़की तेरे को कहीं नहीं मिलने वाली। जल्दी से मामा से बात कर ले वरना मेरे पीले हाथ कहीं और कर देगा। भैया सुबेदार भैया ये कहाँ जा टपका? अरे आओ सुबेदार भैया। देना यार और होते किस लिए? साथिया तू मेरे सपनों का मीत है, तू मेरे होंठों का गीत है। अपनी जन्मों की प्रीत है साथिया, तू मेरे सपनों का मीत है, तू मेरे होंठों का गीत है, अपनी जन्मों की प्रीत है। यही वादा करो यही रीत है साथिया, साथिया, साथिया। ये फूल ये जवानी ये सब तुझसे है ओ मेरे दिल जानी, ये रुतु मस्तानी ये फूल ये जवानी ये सब तुझसे है ओ मेरे दिल जानी। साथिया मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं, तू मेरे बिन कुछ भी नहीं, ये रात दिन कुछ भी नहीं। पूछो के धारों से ये पूछो
पूछो, बाहरों से ये पूछो, के धारों से ये पूछो, कहेंगे यही सारे हजारों से ये पूछो। साथिया तू मेरा दिल मेरी जान है, तू ही मेरा अरमान है, तू ही मेरी पहचान है। क्या बात है सोना रानी, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। तेरे क्रिया पे जा रही हूँ इसलिए खुश नजर आ रही हूँ। चल हट, छोड़ मेरा रास्ता। ये रास्ता कमेटी का है, तेरे शंकर का नहीं। अगर शंकर के बारे में एक लफ्ज ही बोला तो तेरा मुंह नोच लूंगी। चले मेरी जाए, यही तो चाहता हूँ। जिस दिन तू मेरा मुंह नोचेगी मैं तेरा हाथ चूम लूंगा। छोड़ मेरा हाथ। ये कहां से आती है? क्या बे, हाथ चूमेगा या पैर चूमेगा? नहीं, मार, लात मार। अब बोल, पैर चुमेगा या नहीं? नहीं चुमूंगा, नहीं चुमेगा। अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे, अरे शंकर, अरे शंकर मुझे बचा, ला मैं तैरना। तैरना नहीं आता तुझे? पकड़ पकड़ मुझ। अरे बोल, रास्ता कमेटी आई है शंकर का। छेड़ने आया था मुझे। तैरना नहीं आता मुझे, बचा। अरे निकल, पाँव चुमेगा या नहीं? तेरे सारे खानदान के पाँव चुमूंगा, बचा ले, काज ले। आइंदा सोना की तरफ आग भी उठा के देखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, इस जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा। अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल, चल। बच्चू, ये मार तुझे महंगी पड़ेगी। अगर आप हमारी बात मान लेते तो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान तो आप मुझ पे कर रहे हैं सूबेदार जी, मैं तो यहाँ शहर में बैठा बैठा हर वक्त सोना की चिंता में डूबा रहता था। सोच भी नहीं सकता था उसकी तकदीर इतनी अच्छी है कि उसे शंकर जैसा जीवन साथी मिलेगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ए पगली, शादी से पहले तो बहुत बड़बड़ किया करती थी, आज तुझे क्या हो गया? देख, आज हमारी सुहाग रात है जो पति पत्नी की जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है, सिर्फ एक बार। इस रात को पत्नी अपने दिल की बातें पति से कहती है और पति पत्नी से। शंकर, पत्नी के दिल में सदा एक ही बात रहती है कि उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए, वो उसकी बाहों में अपना दम तोड़े, उसे अपने पति से इतना प्यार मिले कि वो उसकी याद में अपनी सारी जिंदगी बिता दे। भोगो, अरे पोकू भोगो, यह तो ताला लगा हुआ है, तेरा ऐसा उधर ले रहा है और वापस करता ही नहीं। जोर है, चोर है, चोर है, पर मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। क्या हो? दारू है। अच्छा, तो अकेले पी रहे हो? हाँ, और हमको बुद्धू बना रहे हो?
अरे मैं ऐसे थोड़ी हूँ जो बुद्धू बन जाऊंगा। अपने आप को बहुत बहुत होशियार समझते हो क्या? बाहर से दरवाजे में ताला लगा दिया और अंदर से खिड़की खुली छोड़ दी। अरे सेठ जी, खिड़की तो आपके लिए खुली छोड़ी थी ना। तो पीऊंगा। अरे जब पैसा लेने के टाइम आता है तो तुम लोग बोलते हो कि सेठ जी आपके लिए दरवाजा हमेशा खुला है, और जब देने का टाइम आता है तो बाहर से ताला लगा के रख देते हो। दारू में ध्यान दो सेठ जी। अरे जी, इतना माल खाते हो और ऐसी घटिया दारू पीते हो। अरे सेठ जी, थोड़ी और डालिए ना, फिर देखिए कितनी बढ़िया लगती है। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम लोग भी पियो ना भाई। हाँ सेठ जी, पियो पियो पियो। और है नहीं क्या? अरे छी, ये पानी पानी है। सेठ जी जरा माल दो ना, तो अभी बुलाते ले आता हूँ। बोतल पे बोतल। क्या बोला? ले आता हूँ। पैसा पैसा मल्ला हो गया। अस्सी आंटी, आज तो देना ही पड़ेगा। ये लो। अरे रुको 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 रुको, मैं पिया जरूर हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं पी के डाउन हो गया हूँ, समझा? अरे देखो, मैंने इससे पहले 3 कर्जदारों का घर नीलाम करवा दिया, चौथे को जेल भेजवा दिया। अगर कल तक तुम पैसे नहीं दिए तो 5वां नंबर तुम्हारा, समझ गए? अब बाहर से दरवाजा ताला लगाया, अंदर से तो खोल दो, मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन बार बार खिड़की से नहीं जाऊंगा, बोल देता हूँ। आइए सेठ जी, चलिए मेरे साथ। आइए सेठ जी, आइए आइए। आ रहा हूँ। अरे आइए, आप यहाँ से कहाँ? कल दरवाजा खुला रहेगा। जब तक आप, मैं खिड़की से बार बार नहीं आऊंगा। अभी हमेशा के लिए खुला रहेगा, अभी तो आपसे बहुत माल लेना है। मुझे भी तो माल देना है। हमारा कर्म है लेना और आपका फर्ज है देना। चलिए सेठ जी, करो, मैं अपना काम करूंगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख। सोना, अरे सोना क्या हुआ? मौसी क्या हुआ? मौसी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे, इन दिनों हर औरत को चक्कर आते हैं। चक्कर आ जाते इन दिनों? क्यों बुद्धू, ज्यादा चलने फिरने मत दिया कर, इसके पैर भारी हैं। पैर भारी है? मैं समझा नहीं। अरे पगले, तेरे पेट में अगर बच्चा होता तेरे पैर भारी ना होते। अरे मासी क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ। अच्छा मैं चलती। अच्छा मासी। सोना, मौसी ठीक कह रही? इतनी बड़ी घटना घटने वाली है, इतनी बड़ी घटना घटने वाली है। तुम माँ बनने वाली हो, मैं बाप बनने वाला हूँ, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। 8.5 महीने में होना चाहिए। अरे रे क्या कर रही हो, बैठी रहो। मौसी ने कहा चलना फिरना बिल्कुल मना है। तुम्हें खेतों में बैठी? अरे खेतों में नहीं, मेरी बाहों में। अरे बाप रे, मर गया। अरे मौसी ठीक कह रही थी, तुम्हारे पैर ही नहीं तुम भी भारी हो गई हो। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे उनके कहने से पहले मैं कह दूंगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। छोड़ो। यार सुबेदार, किस लिए बुलाया मुझे? यह तो बड़ा दगाबाज निकला। किससे दगाबाजी की है मैंने? सारे गांव से सब शिकायत करते हैं। किस बात की? तुमने शादी की, तुम चुप रहे हम चुप रहे। तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ, तुम चुप रहे हम चुप रहे। आज उसका जन्मदिन है, आज तुम चुप रहोगे मैं चुप नहीं रहूंगा। ऐसी घुटूंगा, ऐसी घुटूंगा, ऐसी घुटूंगा। शंकर की जमीन का कब्जा तो कर ले, लेकिन कैसे? वही तो, काश साला बुढ़ा मरने से पहले दस्तखत कर जाता तो ये नौबत नहीं आती। हटाओ यार, खड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? हमें तो एक ही बात काम में आ सकती है। क्या बात? अरे वो शंकर का बच्चा अब भी हम पे जान छिड़कता है, मरता है हम पे।
क्यों ना उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया जाए। शंकर भैया, शंकर भैया, अरे माजी, परिपना माजी, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। राम राम भैया। राम राम। रूपा कहाँ है? भैया वो मामा जी घर गए। बेटा बहू कहाँ है? बस माजी आती होगी। अरे सोना देख तो कौन आया है, आ जल्दी आ। लमोने को मुझे सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। नमस्ते। अरे मुन्ना, अरे मेरा पहला पोता, आओ ना बेटा, आओ ना मेरे पास। रोते नहीं बेटा, मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। अरे 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 अरे, लाओ माँ जी, मुन्ना मुझे दे दीजिए। ले बेटा, ये तो दादी माँ से डरता है। माँ जी, मैं आपका सामान उतार लेता हूँ, आप मेरे पास ही ठहरिए। नहीं बेटे, हम हवेली जाएंगे, अब आ ही गए हैं तो आना जाना तो होता ही रहेगा। तू कौन सा पराया है, तेरे यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे। बेटा मुझे बहुत अफसोस है कि तेरी शादी में हम लोग नहीं आ सके। क्या करूँ, शहर जाकर जोड़ों में दर्द शुरू हो गया था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। भगवान जाने ठीक होगा भी या नहीं। चलो तांगे वाले, हवेली चलो, चलो बेटा। एक रास्ता है जिस पर चलकर हम शंकर की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। वो क्या? तूने उसे जिंदगी क्या से आजाद कर दिया जाए। क्या शंकर का तुम खून करोगे? खून मैं नहीं शुरू करेगा। राजा मोरी वाली पच्चीस तो आपको मैंने दे दिए थे। और बाकी के पैसे? बाकी के 25 आपको कल घर पे पहुंचा दूंगा, ठीक है? ठीक है चाचा। चले ठाकुर, हम तो सिर्फ जमीन पर कब्जा चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है ये तुम जानो। फिलहाल तो नहीं जानता, हाँ कीमत अदा करोगे तो जान जाऊंगा। झोली भर के आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा। इस दरवाजे से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। कितने आदमी रहते हैं तुम्हारे भाई के घर में? सिर्फ उसकी बीवी और बच्चा। बीवी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत।
तब तो जरूर किसी और की आंख भी होगी उस पर। हाँ, गिरधर नाम का एक किसान है जो उस पर मरता है। तब तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगा। और रहा गिरधर, उससे शंकर निपट लेगा। ये कौन सा गम गलत कर रहे हो गिरधारी? तुम कौन हो भाई? तुम्हारा दोस्त हूँ, ये लो मेरी तरफ से। अरे अब तक कहाँ थे दोस्त? मैं तो यही था दोस्त, लेकिन तुम पिछले 2 साल से किसी के गम में घुल घुल के आधे हो गए हो बिल्कुल। हैं? किसके गम में? तुम भूल सकते हो, हम नहीं भूले। कौन? सोना। उसकी तो हो गई। क्या? उसकी शादी हो गई भाई। अगर तुम चाहो तो सोना तुम्हें अब भी मिल सकती है। सच? वो कैसे? हमारी यारी पे भरोसा रखो। कल शाम पुराने खंडर में आ जाओ, हम सोना को लेके वहीं आ जाएंगे। उसके बाद भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर उस शंकर को पता लग गया तो वो गोली से मार देगा। अरे गोली तो तुम भी मार सकते हो, बंदूक हम ले आएंगे। लो लो एक गुट। तुम पियो, तुम्हें गोली मारनी है ना। एक, ये दो, ये तीन, तीन बिस्किट है। मालती, अरे सुबेदार मुन्ने को याद कर रहा था, इसे वहां ले जा। अच्छा बाबूजी। इसका दूध भी ले जा। चल मुन्ना। और जल्दी वापस आ जाना। सोना। जी आई। सोना, सुबेदार के यहाँ मैंने मुन्ने को भेज दिया है और मैं भी शहर जा रहा हूँ जरा काम से। हाँ, ये मर्द बड़े बेवफा होते हैं। क्या हुआ? शादी से पहले और शादी के बाद जब तक बच्चा नहीं होता औरत के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना अपनी किस्मत समझते हैं। एक बार बच्चा हो जाए तो ये भी पूछना भूल जाते हैं। प्रिय, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। शादी होने से पहले और शादी होने के बाद जब तक बच्चा नहीं होता औरत पति की हर ख्वाहिश पूरी करना अपना धर्म समझती है, और बच्चा होने के बाद वो ये भी भूल जाती है कि प्रिय पतिदेव बाजार जा रहे हैं, उन्हें कुछ पैसे भी दे दूं। मैं तो भूल ही गई। ये लो, अब ये तो पूछो मुझे क्या चाहिए। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। पीले रंग की घाघरा चोली, लाल रंग की चूड़ियाँ और लाल रंग की बिंदिया। हा? और मुन्ने के लिए लाल नीले पीले गुब्बारे और पीर बाबा की तावीज मुन्ने को बुरी नजर से बचाने के लिए। हाँ, अब जाओ। हाँ जाओ। हाँ जाओ। जाओ। नहीं, नहीं। आने के बाद। सोना, अरे सोना कहाँ है तू? अरे सोना देख तेरे लिए। अरे प्रभु क्या हुआ? सोना कहाँ है? भैया गिरधर अपने साथियों को लेकर यहाँ आया था, मुझे बांधकर भाभी को उठाकर ले गया। तो उसकी मौत आई। वो अपने साथियों से पुराने खंडर की तरफ जाने को कह रहा था। ओ।
गिरधर सोना का है। आराम ज्यादा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बच्चू, मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपने जो बताया डॉक्टर साहब, मेरी तो इससे रूह कांप उठी। एक विधवा के लिए जिंदगी बिताना कितना मुश्किल है। उसके देवर हैं जो उसकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन एक से एक नंबरी, और सास भी सौतेली है। उसके ससुर थे देवता समान, लेकिन जुल्मों और परेशानियों की वजह से मर गए। खैर, जिसका कोई नहीं उसका वो तो है। माफ कीजिए, आपने अपनी तारीफ नहीं बताई कि आप सोना के। जी नहीं, मैं शहर के एक फर्म में ट्रैक्टर इंजीनियर हूँ। शहर फर्म के मालिकों ने मुझे यहाँ पोस्ट कर दिया है। लेकिन ये सोना कहाँ मिल गई? तकदीर की बात है। इंसान का अगला कदम कहाँ पड़ता है, किसके साथ पड़ता है, ये नहीं मालूम। भगवान जाने मेरी किस्मत में उसे बचाना लिखा था या उसकी तकदीर में मेरे हाथों बचना। अच्छा चलता हूँ। हाय हाय सोना बेटी, कहाँ खो गई थी तू? तुझे अपना नहीं तो हमारा ही कुछ सोचा होता। आखिर मैं तेरी सास हूँ, सौतेली हुई तो क्या हुआ। चल उठ हवेली, अब मैं तुझे खेतों में नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने देंगे। मैं तो अपने घर जाऊंगी। हाय हाय क्या बात कर रही है बहू। नहीं नहीं बेटी, वो घर तेरा है तो ये हवेली भी तेरी ही है, तेरे मुन्ने की। मेरा मुन्ना कहाँ है? उसे मैं अपने साथ हवेली ले गई हूँ, मेरे शंकर की निशानी। मैंने सोचा उसे अपने साथ रखूंगी तो तुम भी आ जाओगी। चल बेटी चल। गाय उधर ही जाती है जिधर उसका बछड़ा। किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। आप लोगों से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? मेरा बिल संसार में है ही कौन? किस्मत के लिखे को तो कोई नहीं मिटा सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप तो मैं कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं कितनी आभारी हूं आप लोगों की। अपने तो अपने होते हैं। सो तो है भाभी। चलो भैया चले आओ। लो बेटी, मुन्ने को मुझे दे दो, आज मैं इसे अपने साथ सुलाऊंगी। नहीं माँ जी, इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। छोटा 20 बरस का हो गया, तब से मेरी बाहें तरस गई हैं बच्चे को गोद में लिए हुए। लाओ मुझे मेरे शंकर की निशानी दे दो। आओ बेटा आओ, आओ मेरा राजा। लाओ बेटी तुम आराम करो। अरे मेरा राजा, अरे मेरा राजा। डॉक्टर साहब, वो सोना कहाँ है? अरे भाई उसकी सास आई थी, वो उसे अपने साथ हवेली ले गई।
होगा क्या माँ? शुक्र करो मैं वक्त पे आ गया, वरना आज इस घर की इज्जत मिट्टी मिल जाती। शर्म नहीं आती कमीने झूठ बोलते हुए? घर की इज्जत मिट्टी में मैं मिला रहा था या तू? माँ जी ये सच कह रहे आज ही ना होते तो। मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाती है, शर्म नहीं आती तुझे? और तू यहाँ क्या करने आया था? मैं इनकी दवा देने आया था। आधी रात को कौन सी दवा दी जाती है मैं जानता हूँ, चल निकल। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। न जाने कैसे लोग हैं ये, आपके पति के मरने के बाद इन्हें आपकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने फिर मुझे बचा लिया, सोचते तब तक आप मुझे बचाते रहेंगे। जब तक इंसान अपना फर्ज पहचानता है तब तक। एक मेहरबानी और कर दीजिए, मुझे अपने घर तक छोड़ दीजिए। लेकिन आपका घर तो यहाँ से 3 मील दूर है, इस वक्त आधी रात गए, आपका वहाँ जाना ठीक नहीं। अगर आपको एतराज न हो तो मेरे घर। मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन गांव वाले। घबराइए मत, हमें गांव वालों को जवाब नहीं देना, सिर्फ उसे जवाब देना है। उस्ताद आइए, आइए आप इस कमरे में तो जाइए, मैं यहां से जाता। आपको जी वो सोना, क्या आप सोना के कोई रिश्तेदार हैं? खून का तो कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते रिश्तेदार जरूर हूँ। इंसानियत के नाते? जी वो मैं आपका मतलब नहीं समझा। सुबेदार भैया, ये रवि बाबू, इन्होंने मेरी जान भी बचाई और इज्जत भी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सच है भैया, रात सास और देवर मुझे अपने घर ले गए थे, बड़ा प्यार जताया। रात को कुकुर ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, इन्होंने मेरी इज्जत बचाई। रात में इन्हें के घर में थी, सुबह इन्हें बिना बताए मैं मंदिर चली गई थी। भाभी, भगवान जहां रावण पैदा करता है वहां राम भी पैदा होते हैं। क्यों शर्मिंदा करे सुबेदार जी, मैंने जो कुछ भी किया था इंसान के नाते मेरा फर्ज था। मैं तो ये कहने आया था कि रवि बाबू, मैं आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे भागन पे कितने सारे एहसान कर दिए। एक एहसान और कर दीजिए, मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिए। बुरा मत मानिए रवि बाबू, ये गांव है, शहर के रीतों रिवाज से बहुत दूर। यहाँ विधवा होना भी श्राप है, यहाँ की विधवा किसी से बात भी नहीं कर सकती। बंगलू ये जमीन झगड़े में पड़ी है, और जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। ये शंकर की जमीन है और हमको इस जमीन पे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अबे और शंकर के चमचे, शंकर मर चुका है और अब इस जमीन पे हमारा हक है, दफा हो जा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, तेरा तो बाप भी जाएगा। तुम मुझे देखता हूँ। और सुन ले, अगर किसी से कहा तो हम तेरे घर का पता भी जानते हैं।
सुबेदार जी, आओ। कैसे आना हुआ? अरे बाबू, सोचता हूँ भगवान ने दुनिया में राम ही क्यों न पैदा किए। क्यों, क्या हुआ? फिर उन बदमाश लेबरों ने कुछ हरकत की है क्या? हाँ, ना तो वो खुद काम करते है न मजदूर को खेतों में काम करने देते। ऊपर से सोना भाभी के बैल भी चुरा लिए। कब हुआ ये? ये कल हुआ। रवि बाबू, इस दुनिया में बिना किसी सहारे के औरत के लिए जीना बड़ा मुश्किल है। समझ में नहीं आता कैसे खेती होगी, कैसे हल चलेगी। और इस हाल में तो जी, सोना के खेतों में हल भी चलेगा और खेती भी होगी। कैसे? अब उसके बदमाश देवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि उसकी मदद मैं करूंगा। आप करेंगे? हाँ, मैं करूंगा। तो मुझे भी नहीं मालूम भाई साहब, लेकिन ये जो हुआ है मेरे ही कारण हुआ है। इन्होंने मेरी मदद की। जब ये वापस जा रहे थे तो कुछ गुंडे ने इन्हें मार के रास्ते में फेंक दिया। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि मुझे भागन को मेरे हाल पे ही रहने दो, पर दूसरों की आग बुझाने के लिए अपना हाथ तो जलाना ही पड़ता। भाभी भाभी, मैं पुलिस स्टेशन जाकर उन गुंडों की रिपोर्ट लिखवाता हूँ। मुझे लगता है इसमें शंकर के भाइयों का हाथ है। हो सकता है भाई साहब, शंकर की मौत के बाद एक उन्हीं का सहारा था मेरे पास, पर अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। वो तो फिर भी देवर हैं। तुम फिक्र मत करो भाभी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं रवि बाबू को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। आइए रवि बाबू। पप्पू बाबू, भोर कलयुग आ गया। क्या हो गया मिस्त्री? अजी, कल सोना ट्रैक्टर मैकेनिक को अपने घर ले गई थी। जी हाँ, और कल रात को वो वहीं सोया था। तो मैं कैसे मालूम? अजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुमने बात किसी और से नहीं कही ना? क्या बात करते हैं पप्पू बाबू, भला आपके होते हुए मैं दूसरे से क्यों कहूँगा। ठीक है, तुम ये बात सारे गाँव में फैला देना। अजी, आप फिक्र मत कीजिए पप्पू बाबू, बस समझ लीजिए कि फैल गई। हाँ।
होली में, होली में, होली में होले होले दिल डोले, होले होले दिल डोले होली में। गोरी ने घूंघट के पट खोले होली में, होली में, हम न सुनेंगे आज कोई बहाना, हम न सुनेंगे आज कोई बहाना, मुश्किल है हमसे दामन बचाना, मुश्किल है हमसे दामन बचाना, ये अरमान निकालेंगे हम रंग से रंग डालेंगे, हंस ले कोई चाहे रो ले, चाहे रो ले, होली में, होली में, होली में। भाग के तू जाती कहाँ है, रंगों की धूप है मौसम जवां है, ये कैसी हठधर्मी है, ये कैसी बेशर्मी है, ये कैसी हठधर्मी है, ये कैसी बेशर्मी है, बेशर्मों से कोई क्या बोले, कोई क्या बोले, होली में, मिटेंगे हम ना रहे तो भी ये रहेंगे, ये रंग वो है जो ना मिटेंगे हम ना रहे तो भी ये रहेंगे, हौले हौले दिल डोले होली में।
मैं पूछता हूँ कि ये शहर से हमारी जमीनों पर ट्रैक्टर चलाने आया है या इस गांव की बहू बेटों की इज्जत लूटने? सारे गांव ने ऐसे विधवा सोना भाभी पर रंग डालते और उनका हाथ पकड़ते देखा है। शायद एक विधवा पर रंग डालना मेरी भूल थी, लेकिन एक गिरते हुए को सहारा देकर मैंने कोई पाप नहीं किया। इसका फैसला तो पंच ही करेंगे। बड़ा आया सहारा देने वाला। मेरी नीयत साफ है चौधरी साहब, ये लोग खाम खाई शरीफ औरत को बदनाम कर रहे हैं। इस बात का कोई सबूत है तेरे पास? मेरे पास है। चल ना आगे। कमीने, गांव भर में चल आगे। मुसीलाल, पंचों को बता दो कि कौन किसको इस गांव में बदनाम कर रहा है। घबराओ नहीं मिश्री लाल, पंचों के रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चौधरी साहब, पप्पू बाबू ने मुझे कुछ रुपए दिए थे ताकि मैं रवि बाबू और सोना जी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाऊं और लोगों के दिलों में जहर भरूं। ये झूठ बोलता है, इसे जरूर इस ट्रैक्टर में करने भड़काया है। अगर ये झूठ बोलता है तो सोना तुम्हारा घर छोड़कर क्यों चली गई? इसे भी इसी ने भड़काया होगा। आज तक हम अपने घर की बदनामी का डर से खामोश रहे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। चौधरी साहब, सोना के साथ शहरी के नाजायज ताल्लुकात है। नीच कमीने, शर्म नहीं आती अपनी देवी समान भाभी को बदनाम करते हुए? सुख नहीं दे सकता, दुख तो मत दे। कौन नहीं जानता वो आज भी तेरे भाई शंकर की याद को अपने सीने से लगाए बैठी। फिर भी रवि बाबू, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सोना तुम्हारी वजह से बदनाम हुई है। तुमने उसको अपने घर में पनाह दी और तुम उसके खेतों में ट्रैक्टर चलाते हो, उसके मुन्ने की देखभाल करते हो। आखिर तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है? वही जो एक इंसान का एक इंसान से होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के दुख दर्द में काम नहीं आ सकते तो हमें इंसान कहलाने का हक नहीं है। फिर भी चौधरी साहब, अगर सोना मेरी वजह से बदनाम हुई है तो मैं ही उसे सहारा दूंगा। मैं सोना से शादी करने को तैयार हूं। रवि बाबू, अगर सोना तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो पंचों को कोई एतराज नहीं। ये शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जिद ना करो बहन, अगर ये शादी नहीं हुई तो शंकर का घर बर्बाद हो जाएगा। शंकर के सौतेले भाई तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। जमीन जायदाद के झगड़े मुन्ने का जीना हराम कर देंगे। बहन, जिन्होंने तुम्हारा सुहाग छीना है वो तुम्हारी ममता का गला भी घोट सकते हैं। ऐसा ना कहो भैया, मैं मुन्ने की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। अब मुन्ने के सिवा रह क्या गया मेरे पास? इसीलिए ये शादी करनी होगी। तुम्हें मुन्ने के लिए मरना नहीं, जीना है, और जीने के लिए सहारा चाहिए। वो सहारा सिर्फ रवि बाबू ही दे सकते हैं। मेरा रवि बाबू? रवि बाबू अच्छी तरह जानते हैं कि तुम आज भी शंकर से प्यार करती हो, फिर भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। वो धरती छोड़कर चली जाओगी जिसे शंकर को इतना प्यार था? नहीं बहन, नहीं, तुम्हें यहीं रहकर अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चे के लिए। औरों पर भी आती है ये रात, सुहाग रात, मगर शादी और सुख एक दूसरे से बंधे नहीं होते। घबराओ नहीं सुना, मैंने तुम्हें तुम्हारे देवरों और निर्दय गांव वालों से बचाने के लिए शादी की है। ये लोग तुम्हें बदनाम करने पर तुले हुए थे। शंकर के लिए तुम्हारे दिल में जो भावना है उसकी मैं कदर करता हूं और करता रहूंगा। मेरे प्रति जब तक तुम्हारे दिल में पति की भावना न पैदा हो जाए मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हम सिर्फ दुनिया की नजर में पति पत्नी होंगे। हद कर दी उस ट्रैक्टर मैकेनिक ने, सबके देखते देखते सोना की मांग भर दी। उस कमीने ने हमारे सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। पानी नहीं रुपा, ट्रैक्टर ट्रैक्टर। कोई बात नहीं,
हम तीन हैं, वो अकेला। अगर वो ट्रैक्टर है तो हम तीनों मिलकर बुलडोजर बन जाएंगे, फोन कर रख देंगे उसे। भैया जाओ, सोना फिर से विधवा हो सकती है। कुछ औरतों को विधवा बनने का शौक होता है, उसका ये शौक भी पूरा कर देंगे। सब कुएं के पास जो राइफल मिली थी उसकी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो गिरधर का खून इसी राइफल से चलाई गई गोली से हुआ था। यानी शंकर बेकसूर था सर? अगर बेकसूर था तो भागा क्यों? लेकिन सर ये राइफल है किसकी? ये राइफल ठाकुर नरेंद्र सिंह की है, जो गिरधर का खून होने से पहले ही चोरी हो गई थी। लेकिन सर जो भी हो, बेचारा शंकर बेकसूर मारा गया। देखो, जब तक हम इस मामले की तह तक न पहुंच जाएं, जी, तब तक इस बात का पता गांव में किसी को नहीं चलना चाहिए। ओके सर। बेटे बेटे, जीते रहो बेटे, जीते रहो। चंदा बहन नहीं आई माँ? तेरे आशीर्वाद से उसके घर में चांद सा बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो नहीं आई। मुबारक हो माँ। तुझे भी बेटे, अब तो मैं अपनी बहू का मुंह देखने के लिए जी रही हूँ। भगवान को मंजूर होगा तो जरूर देखोगी माँ। तो मैं क्या कह रहा था कि उस देश का नाम बर्फिस्तान इसलिए था कि वहां बर्फ ही बर्फ थी, और वहां एक राजकुमारी भी थी। उसका रंग बिल्कुल गोरा था, इसलिए जब वो निकलती थी ना तो बर्फ में दिखाई नहीं देती थी। हाँ, उस देश में एक गवैया भी था, और जब वो गीत गाता था ना तो उसके गीत बर्फ के गोले बनकर निकलते थे, और लोग उन गोलों को घर ले जाकर तवे पर पिघलाकर गीत सुना करते थे। समझा? हाँ। क्या समझा? क्या बहुत अच्छी गप मारते हैं। हम गप मारते हैं? साला बदमाश गुंडा करेगा। चलो एक अच्छी गप, नहीं नहीं अब की अच्छी कहानी सुनाएंगे मुन्ना। चलो बेटा सोने चलो। नहीं माँ, मैं बाबू के पास सोऊंगा। हाँ हाँ, मेरे पास ही सोना। समझ गया आज का मतलब, गप सुनेंगे। हाँ, और सोना को तुम्हारे भाइयों के झुंड से बचाने के लिए मुझे उसकी शादी करवानी पड़ी। लेकिन वो है कौन? तुम्हारे लिए इतना ही जाना काफी है कि वो इंसान के रूप में देवता है। आया था शहर से ट्रैक्टर बनाने के लिए, लेकिन सोना और मुन्ने की जिंदगी बनाने का भार लेकर बैठ गया। लेकिन शंकर, पिछले 3 साल तुम कहां थे? क्या बताऊं दोस्त, उस दिन नदी में गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक झोंपड़े में पाया जहां एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। उन्होंने महीनों मेरी सेवा की, मुझे माँ और बहन का प्यार दिया। मैं अपना नाम बदलकर वहीं रहने लगा, लेकिन जब मैंने वापस घर आने का फैसला किया। अरे तीरथ भैया, तुम यहाँ से जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे? पहले तू बता, क्या तू ससुराल जाके हम लोगों को भूल जाएगी? माँ देखो ना भैया, मुझे घर से निकालना चाहते हैं। अरे पगली, ये तुझे घर से निकालने नहीं, तेरा घर बसाना चाहता है। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी माँ। इन्हें छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, इन्हें भी साथ ले जाना। दोनों मियाँ बीवी मिलकर इनकी सेवा करना। भैया मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ मेरी सेवा तो मेरे बेटे की बहू करेगी। काश इच्छा भगवान आपकी पूरी करे माँ, लेकिन। लेकिन क्या, मैं तो तेरे लिए सोना जैसी बहू लाऊंगी और चंदा के लिए चांद सा दूल्हा। बेटे मैं तो चंदा के हाथ कप के पीले कर देती, लेकिन मुए शेरू गुंडे ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। अब तेरे होते उसके यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं होगी। माँ, भैया, भैया, माँ, माँ।
भैया यही है वो गुंडा। के मुताबिक जो फौजदारी का इल्जाम तुम पर लगाया गया है वो पूरी तरह साबित होता है और अदालत दफा 307 ताजीरात हिंद के मुताबिक तुम्हें 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। उस फौजदारी का मुझ पर झूठा इल्जाम लगा और मुझे 3 साल की सजा हो गई। पिछले महीने ही सजा काट कर आया हूं, लेकिन मुझे क्या मालूम था सजा खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। एक बात ना भूलना, ये टूटे हुए बाजू ही सही, लेकिन ये तेरे भाई हैं, इनको हमेशा अपने गले से लगा के रखना। वादा करो, वादा करो शंकर। भगवान तू ही बता मैं क्या करूं। अब घर जाता हूं तो एक बसा बसाया कुनबा बर्बाद होता है, बाहर मौत का हुक्म मेरा पीछा कर रहा है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहा था, ये सामने दिखाई देने वाले तेरे भाई बंधु नहीं, ये पाप का मूल है जिनका विनाश ही सत्य है। फिर उन पर हथियार उठाते हुए मेरे हाथ क्यों कांपते हैं? जिस काम के लिए यहां आया हूं भगवान, उसे कैसे पूरा करूं, कैसे पूरा करूं? आज इतने साल हो गए लेकिन ट्रैक्टर मैकेनिक जाने का नाम ही नहीं ले रहा, डरता ही नहीं हम बदमाशों से। एक रास्ता है जिससे ये डर भी जाएगा और यहां से सब कुछ छोड़कर भाग भी जाएगा। वो क्या है? अगर हम इसके बच्चे को उठाकर ले आए। मैं समझ गया, लेकिन वो लेकिन वेकिन को आप भूल जाइए, आप अपने काम से मतलब रखिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। उठ बाबू, आज देखता हूँ ये शहरी बाबू जमीन छोड़कर कैसे नहीं जाता है। आज से तू हमारे हाथ में है। माँ क्या तुझे तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता? मेरा बच्चे को मेरा बच्चा। अब ये बच्चा तब तक हमारे हाथ में रहेगा जब तक तुम मियाँ बीबी ये गांव और जमीन छोड़कर नहीं चले जाते। बंदूकें फेंक दो। भाभी मुन्ने को लेकर अंदर चली जाओ। मेरा बच्चा समझते क्या उसका कोई नहीं? अरे मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। यहाँ क्या देख रहा है? टांग नहीं है,
बाजू में जोर है अभी तक। चल उठा बंदूक और भाग यहां से। दया आती है रे तुझ पे। चल उठा 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 अपने खिलौने। जी, क्या ये वही लोग? और कौन हो सकता है, वही बदमाश। भाभी और मुन्ने को तंग कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पे हम ये आ गए। इन्होंने गुंडों को भगा दिया। आपने मेरी बीवी बच्चे की हिफाजत की है, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। सुबेदार जी, दिन भर मैं काम में रहता हूं, ये गुंडे किसी वक्त भी आकर तंग कर सकते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। रवि बाबू बहुत बहादुर आदमी है, आपके काम आएगा, इसे नौकरी पे क्यों नहीं रख लेता है? ये क्या कह रहे हो सुबेदार, हमारे बीवी बच्चे के साथ? आप अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहाँ क्यों नहीं आते? वो आपकी आंखों के सामने रहेंगे। आंखों के सामने तो अब भी हैं बाबू, लेकिन बाबा बाबा मुझे बहुत डर लगता है डाकू लोगों से। ए बेटा डरना नहीं, बहादुर बाप के बेटे बिल्कुल नहीं डरते।
बस साथ लेके अपने करम, जब से अकेले जाएंगे हम। बस साथ लेके अपने करम, जग से अकेले जाएंगे हम। जीवन है क्या, बस आया गया, पानी का जैसे रेला। कोई न जब तेरा साथी हो तो चल मेरे मन तू अकेला। ऐसे क्या देखते हो, बोलो ना आपका नाम क्या है। हमारा नाम बाबा है, बाबा। बाबा तो मेरे बापू का भी नाम है, तब घर में दो दो बाबा हो जाएंगे क्या। हाँ बेटो, पर हम तो कंबल वाले बाबा हैं। नहीं, पिस्तौल वाले। चलो तुम कहते हो तो पिस्तौल वाले सही, पर तुहार बाबा के पास भी तो इतनी बड़ी बंदूक है। लेकिन बहादुर आप है, बाबा से भी ज्यादा। नहीं बेटवा, तुहार बाबा हमसे बहुत ज्यादा बहादुर है। इस संसार में दूसरों के लिए जीना बहादुरी है, पिस्तौल चला के मरना मारना नहीं। तुहार बाबा ने जो किया है। माँ बुलाती है, मैं जाता हूँ। मुन्ना बेटे। हाँ जा बिटवा, तुहार माँ बुलावत है। मेरी समझ में नहीं आता, आपने उसे घर में क्यों रख लिया। भाई भला आदमी मालूम होता और फिर उसने हमारी मदद भी तो की थी। क्या पता दुश्मनों का आदमी हो, यूं ही दिखावे के लिए। फिर वही औरतों वाली बातें शुरू कर दी, क्या मैं आदमी को इतना मेरी पहचान सकता हूँ। मुझे तो उस बहरुपिया से डर लगता है। ये रहा उसका खाना। ठीक है मैं देकर आता हूँ, आप पढ़ाई शुरू रखिए। अरे वाह, जय जवान जय किसान। तुम सिर्फ बंदूक ही नहीं ट्रैक्टर भी चला लेते हो। जय धरती का हो रवि बाबू, ये दोनों धरती की सेवा करते हैं। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे खेत वक्त पर तैयार नहीं हो तो नई फसल बोने में देर हो सकत है। तुम फिक्र मत करो, मैं शहर से बीज मंगवा लूंगा और बाकी सब काम भी वक्त पर हो जाएगा। अरे बीज खेतगढ़ के मेले में अच्छे मिलत हैं, वहां से लाएंगे। और हाँ, वहां मुन्ने को भी ले जाएंगे, मेला लगा है, खूब मजा उड़ाएंगे। ठीक है ठीक है, वहां जाएंगे। अरे लो खाना भी आ गया, आओ बेटा। अरे आओ मुनाओ, आजा, हम कल तुम्हें मेले में ले जा रहे हैं। तुम हमारे लिए वहाँ से क्या लाओगे। मैं बंदूक वाले बाबा के साथ मेले में जाऊंगा। तुम हमें नहीं ले जाओगे। हाँ, लेकर जाऊंगा। और अपनी माँ को। मुझे मेले में नहीं जाना। क्यों। बस यूं ही। खाना तो लाओ। हाँ एक काम करना मुन्ना, ये खाना जाकर अपने बंदूक वाले बाबा को दे दे। बंदूक वाले बाबा ने आपके लिए खाना लाया। अरे मुन्ना आ आ बैठ, तू खाया नहीं तो फिर मेरे साथ खा। वो बाबूजी वहाँ क्यों चले गए। मालूम नहीं, वो ले आहा। खाइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। चलो वहाँ बैठ कर खाते हैं। बाबा मैं आपको खिलाता हूँ। अच्छा। आ ठाकुर, आप कौन सी जमीन का सौदा करने आए हो। जिसे तुम अब तक खाली नहीं करवा सके, इसलिए अब जमीन का नहीं जान का सौदा करने आया हूं। किसकी जान का। अपने लाडले भतीजे की। मैं बच्चों का खून नहीं करता। बच्चे को चाचा के हवाले तो कर सकते हो। कीमत। कीमत तो लग चुकी है, सिर्फ काम बदला है। मंजूर है, लेकिन तुम बच्चे का क्या करोगे। बच्चे को वहीं भेज दूंगा जहां तुमने उसके बाप को भेजा है, और उसके बाद वो जमीन हमारी आधी, नहीं तो
तुम्हें भी अपने भतीजे के पास जाना पड़ेगा। पहले तुम उस अजनबी से मिल लो जो बच्चे की हिफाजत के लिए रखा गया है। मुमकिन है वो तुम्हें वहां भेज दे जहां तुम मुझे भेजना चाहते हो। मेरे कुछ आदमी उससे मिल चुके हैं, मैं भी बहुत जल्द उससे मिल लूंगा। पहले सोना के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, बाकी खरीदारी बाद में करेंगे। रवि बाबू तुम कपड़ा खरीद ले आओ, हम अपने बिटवा का मेरा मतलब हमारे मुन्ना के लिए खिलौना खरीद ले। हाँ बाबा, पहले खिलौने। अच्छा बाबा, तुम्हें खिलौने भी ले देंगे। फिर मुझे औरतों की पसंद के बारे में कुछ नहीं मालूम, जरा मेरी मदद कर। कहाँ मालूम, आ जाना यार, पता मैं क्या खरीदूं। रवि बाबू हम कहाँ बताएं, पता ना यार। अच्छा तो ये पीली घाघरा चोली इनके साथ चुनरी है का? हाँ सब है। हाँ ये ले लो, बहुत अच्छा। ये दोनों बांधो। जी साहब। और क्या लो? और इनके साथ लाल चूड़ियां और लाल बिंदिया खूब जचेगी। खूब लाला वो भी देना। बहुत अच्छा। अच्छा तो हम रवि बाबू चलते हैं, मुन्ना को जरा खिलौना खरीद दे। अच्छा अच्छा मुन्ना, लाला जी दोनों बांधना। जी साहब। निशाना लगाओ, खिलौने उठाओ, मुन्ना हो जाए। खिलौने उठा। लाओ लाला हमका बंदूक है, जरा हम भी निशाना लगा कर देख सकते हैं। एक रुपए में चार। हाँ ये लो एक रुपया। अरे मुन्ना निशाना लगा थे, अपने मनपसंद का खिलौना ले लेना। हाँ बोल। अरे बाकी फिर मारा, ये तो सचमुच का निशानेबाज है। डॉक्टर भाई। बोल बेटा और क्या चाहिए। हाँ तो लाला और छर्रे लाओ। अरे भाई चौधरी क्यों हमारा दिवाला निकाल रहे हो, अब बस करो भैया। अरे भाई ऐसा धंधा काहे करो तो। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम दूसरा कोई शर्त लगाओ। अगर हमारा निशाना चुक गई तो हम ये सब खिलौना पैसा देके खरीद लेंगे। दूसरा शर्त? अच्छा लो छर्रा लो। ला भाई एक बॉल लाओ। हाँ ये बॉल हम ऊपर उछालेंगे, तुम निशाना लगाओ। अगर तुम्हारा निशाना लग गया तो तुम जीत गए, नहीं तो मैं जीता। हाँ मंजूर। अच्छा हाँ फेंका फेंकू लो। अरे तो ठीक तो है ना मुन्ना। ओ मुन्ना ओ मुन्ना। रवि बाबू ये बात सोना जी से मत करना वरना वो घबरा जाएगी। आओ चले। ये देखो मेले से तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, पीले रंग की घाघरा चोली लाल चूड़ियां तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी, जरा पहनकर दिखाओ। अब ये तो पूछो मुझे क्या चाहिए। हाँ हाँ मुझे मालूम, पीले रंग की घाघरा चोली लाल रंग की चूड़ियां और लाल रंग की बिंदिया। क्या हुआ तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या सोच रही थी? यही कि आपको कैसे पता चला कि मुझे ये सब रंग बहुत पसंद है। कमाल है, बीवी की पसंद पति को नहीं मालूम होगी तो
और किसे होगी? बाबा बाबा चलती कैसे है? अभी बताते हैं। ये देख, ये पहिए को इस तरह आगे घुमा के फिर आते हैं। हाँ, दोनों पहियों को घुमाएगा ना ऐसे, देख ऐसे तो फिर चलना शुरू। तुम हो ट्रैक्टर मैकेनिक? हाँ। अगर अपनी और अपने बीवी बच्चे की जिंदगी चाहते हो तो यहां से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं, सिर्फ 3 दिन। तुम कौन होते मुझे घर से निकालने वाले? गोलियां मेरी बंदूक में भी हैं। गोलियों से खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है शहरी बाबू। कौन जाएगा इसका फैसला भी हम अभी कर देते हैं। फैसला हम कर दिन है बाबू, तो का हम 3 मिनट का मोहलत देते हैं। यहां से चला जा। मुन्ना देख तो हार लिए काला है। ये क्या है बाबा? अरे ये पीर बाबा की ताबीज है। कहत है जो इके पहनत है ओके किसी की नजर भी ना ही लगा। डाकू की भी नहीं? अरे डाकू की भी नहीं, जरा देखें तो। अरे वाह, आज मैं माँ को दिखा के आता हूँ। मैं माँ को दिखा के आता हूँ। अरे मुन्ना नहीं, अरे तो हर माँ से मत कहना की पीर बाबा की ताबीज है।
बिशुन, तूने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ हाँ मुझे मालूम, पीले रंग की घाघरा चोली, लाल रंग की चूड़ियाँ और लाल रंग की बिंदिया और पीर बाबा की तावीज मुन्ने को बुरी नजर से बचाने के लिए। माँ क्या देख रही हो? ये तावीज तेरे गले में कहाँ से आया? बंदूक वाले बाबा ने दिया, पीर बाबा का तावीज है, इसे पहनने से बुरी नजर नहीं लगती और अब मैं डाकुओं का मुकाबला करूंगा। पीर बाबा, तू मेरे सपनों का मीत है, तू मेरे होठों का गीत है, अपनी जन्मों की प्रीत है। इतनी जल्दी सो गए तीरथ? हाँ तनिक थकान हो गई, आ बैठा। लगता है बहुत लंबा सफर करके आए हो। हाँ? अरे भैया भीतर का भी तो सफर होत है, जमा आदमी कौसन पीछे जात है या आगे, और फिर वो ससुराल आज का हंगामा। वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम दोनों जब भी मिले क्यों ही मिले, कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं कहाँ हैं कैसे हैं। दया है राम जी की। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, राम जी की दया से। एक ठो मुन्ना है और औरत हर बखत आंखन के सामने रहत है। सो तो है ही, तुम्हारा मुन्ना कितना बड़ा है? है तो उतना ही बड़ा जितना तुहार मुन्ना, लेकिन जब भी हम ओके बारे में सोचत हैं हमका बरस भर का ही नजर आवत है। और पत्नी? सुंदर गौरी चिट्टी, तुहार औरत से ओका रंग तनिक खिलता है, ना ही तो बिल्कुल वैसी, पर सोना तो देवी है देवी। हाँ दोस्त, मेरी पत्नी तो शरीर है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है। तुम शायद नहीं जानते तीरथ, सोना सिर्फ नाम की पत्नी है मेरी। कामत बल? ये एक बहुत दुखभरी कहानी है दोस्त। सोना के पहले पति शंकर ने किसी का खून कर दिया, भागा तो पुलिस की गोली से जख्मी होकर नदी में गिर गया। लोगों ने पानी में खून देखा लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। तो फिर सोना ने तुमसे शादी कर ली? नहीं नहीं, उसने नहीं, मैंने सोना से शादी की है, उसे लोगों से बचाने के लिए। तुम तो जानते हो हमारा समाज एक विधवा के साथ कैसा सलूक करता है। आज 4 साल हो गए इस बात को, लेकिन सोना शंकर की याद को अपने दिल से नहीं निकाल पाई है, इसलिए हम दोनों शादीशुदा होते हुए भी वो अंदर सोती है और मैं बाहर बरामदे में। हाँ ये देख के तो हम भी हैरान भाई, पर अगर तुम्हारी औरत देवी है तो तुम उससे बढ़कर देवता हो। अरे एक जवान जहान औरत के साथ एक ही छत के नीचे सोना, ऊपर से ब्याह का हक रख कर भी उसे हाथ ना लगाना, का मामूली बात है? मैं चलता हूं। आप यहां क्या कर रही हैं? शंकर। शंकर? कौन हो शंकर? मेरे पति। नहीं आप कौन? गलत फहमी माँ है। गलत फहमी थी, अब नहीं। नहीं हम शंकर नहीं।
तुम भाषा बदलकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझको नहीं। मेरे शंकर को मालूम था कि मुझे लाल रंग की चूड़ी, पीले रंग की घाघरा चोली पसंद थी, और मुन्ना के लिए पीर बाबा का। नहीं नहीं, वो तो इत्तेफाक था। मुन्ने को बुरी नजर से बचाने के लिए पीर बाबा का ताबीज भी तुम ही लाए हो, क्या ये भी इत्तेफाक है? शंकर, कह दो कि तुम ही मेरे शंकर हो। शंकर कह दो। भूल जाओ शंकर को, भूल जाओ कि तुम शंकर को कभी मिली थी, कभी तेरी शादी उससे हुई थी। अब तुम रवि बाबू की पत्नी हो, एक ऐसे आदमी की पत्नी जिसका कद एक देवता से भी ऊंचा है। औरत के मन मंदिर में सिर्फ एक ही देवता रहता है, जिसकी पूजा वो जिंदगी भर करती है। अब रवि बाबू ही तुम्हारे देवता हैं। देवता तो आप हैं, वो तो मेरा सहारा है। तुम समझती क्यों नहीं हो सोना, मैं एक कातिल हूं, जो आज है तो कल नहीं, जिसके पीछे कानून की छुरी सदा रहेगी। मैं जिस काम के लिए आया हूं वो पूरा हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। नहीं शंकर। हाँ सोना, इस राज को राज ही रहने देना, कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अगर रवि बाबू ने देख लिया तो तुम्हारी गृहस्थी का नक्शा जो झूठा होकर भी सच हो गया है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रहना पड़ेगा सोना, अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मुन्ने के लिए, उसके भविष्य के लिए। जाओ जाओ सोना, जाओ। सोना कहाँ गई थी? मंदिर गई थी भगवान के दर्शन करने। बच्चों की समझ और हिम्मत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। जमीन तो कब की हमारे कब्जे में आ गई होती माँ, लेकिन पहले वो ट्रैक्टर वाला नहीं था डबका, और वो बंदूक वाला गुंडा। तो क्या हम कम गुंडे हैं? हमने भी हमारी माँ का दूध पिया। मैं तो सिर्फ माँ की इजाजत का इंतजार कर रहा हूँ। क्या रोना माँ? मेरा सर, तुम लोग खुद भी भूखे मरोगे और मुझे भी मारोगे। जब से वो अजनबी उस ट्रैक्टर मैकेनिक के फार्म पर आया है, हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई। तगड़ा फौजी भी काफी तकलीफ दे रहा है। उन तीनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। सबसे पहले उस लंगड़े फौजी को खत्म करना होगा, उसके बाद अजनबी को, और फिर ट्रैक्टर मैकेनिक को। लेकिन वो अजनबी तो साये की तरह उसका साथ दे रहा है। वक्त आने पे नहीं देगा। अबे लंगड़े, तुम्हारा उस ट्रैक्टर मैकेनिक से क्या रिश्ता है? वो मेरी ही बिरादरी का है। हम दोनों इंसान है, तुम्हारी तरह हैवान नहीं। साले गाली देता है,
ये दोनों बैसाखियां तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझे? कुत्ते की तरह भोगता क्या है, हाथ में दम है तो हाथ लगा के देख। अच्छा ये बात है। आज तू कैसे बचेगा? इन्हीं बाजू की तुझे बहुत नाच था ना? कुत्ते! जिस आदमी को अपनी हिफाजत के लिए रखा है उसकी नजर तुम्हारी बीवी पर है। सबूत के लिए ठीक दुबई देवी के टीले पर आ जाना। खुद ना आ सको तो अपने बीवी के यार को भेज देना, हम उससे निपट लेंगे। क्या कर रहे हो तुम? शेरू से हिसाब चुकता करे जात है बाबू। कोई जरूरत नहीं, मैं उसे देख लूंगा। तुम जाओ यहां से। क्या हुआ बाबू? कुछ हुआ है या नहीं हुआ, तुम इस घर से निकल जाओ। आप जिस काम के लिए हम कर रखे हैं बाबू, सो पूरा हो जाए तो चले जाएंगे। तुम बीवी बच्चे वाले हो और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना एक पति का काम होता है, किसी गैर का नहीं। गैर तो हम नहीं है बाबू, लेकिन हमरे होते हुए आप वहां नहीं जा सकते हैं। शेरू का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। तुम कर सकते हो? सो तो आप देख चुके हैं बाबू। तो फिर इसका मुकाबला करके दिखाओ। जो आदमी तुम्हें लुढ़का सकता है उस शेरू का भी मुकाबला कर सकता है, समझे? समझ से काम लो बाबू। सबर से ही तो काम ले रहा हूं। Thank you.
शंकर कौन है? वो मेरे पति हैं। जिंदगी की मुद्दत तब खत्म हो चुकी है। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, जमीन छोड़ के निकल जा। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती है शेरू। फैमिली खत्म कर रहे हैं। गिरधर को किसने मारा था? और उसी ने गिरधर को मारा था जिसका जिसका इल्जाम शंकर पर है। नहीं कमीने, जायदाद के लिए तूने अपने भाई और भाभी को बेच दिया। पहचान मुझे नहीं शंकर भैया। Thank you.
को जला के राख कर दो। शेरू को ले आए। रवि बाबू नहीं शंकर, बहुत बहुत देर हो चुकी है। संभाल मामा, संभाल अपनी अमानत।
जंगल में।